उजाले की इज्जत तब तक रखती है जब तक अंधेरे का एहसास हो। उजाले की इज्जत तब तक रहती है जब तक अंधेरे का एहसास हो। इस अंधेरे का एहसास करना, दोस्तों मैं अभी फ्रेजर रोड से गुजर रहा था पटना में, मैंने बोला कि डी लाल एंड सन्स का क्या हुआ, बोला चला गया। मैंने कहा मे फेयर का क्या हुआ, चला गया। मैंने कहा वो फलाना होटल किसके पास गया, बोला चला गया। मैंने कहा क्यों चला गया, कहा लालू राज में चला गया, लालू राज में चला गया। समझिए आप इस बात को, हमने वो भी दिन देखे हैं जब डाक बंगला चौराहा पर शाम को 6 बजे के बाद खड़ा होना मुश्किल था। हमने वो भी दिन देखे हैं जब कोई घर से डॉक्टर अपने क्लिनिक को जाता था तो यह सुनिश्चित नहीं था कि शाम को घर वापस अपने बच्चों के साथ रोटी खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा। हमने वो भी दिन देखे हैं बिहार में जब कोई आदमी अपने काम के लिए बाहर जाता था तो उसको यह विश्वास नहीं होता था कि घर की उसकी प्रॉपर्टी वापस उसके पास उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मित्रों वो राज भी हमने देखा है, और हमने ये राज भी देखा है जहां विकास की नई गंगा बह रही है, जहां विकास के काम चल रहे हैं। मैंने आपके सामने इतने काम गिना दिए, इतने करोड़ों रुपए का काम गिना दिए, एक भी आंकड़ा गलत हो तो पकड़ लेना मेरे को, और एक भी आंकड़ा जो धरती पर न लगे तो भी पकड़ लेना। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं कि मित्रों चुनाव दोस्ती यारी का नहीं होता, जात बिरादरी का नहीं होता, दोस्ती अपना पराये का नहीं होता। दो चुनाव समाज के इलाके के विकास से जुड़ा हुआ होता है, और इसलिए आपका भविष्य इस पर ही डिपेंड करता है। अगर मोदी नहीं आए होते तो क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहां खुलता? अगर मोदी नहीं आए होते तो क्या यहां अस्पताल बनता? अगर मोदी नहीं आए होते तो क्या 14 मेडिकल कॉलेज खुलते? अगर मोदी नहीं आए होते तो ये गैस पाइपलाइन बिछती? अगर मोदी नहीं आए होते तो ये इतने 4 लेन मिलते? मित्रों मोदी है तो मुमकिन है, और नीतीश है तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, इसको याद करना।